अग्निवीरों के लेकर बहुत ज़्यादा जो है तरह तरह की जानकारी जो आपको मिलती रहती है, और उस जानकारी में कोई ना कोई बीच में त्रुटियां भी पाई जाती हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी जानकारी भी देते हैं। आने वाले टाइम में जो पेपर है वो ऐसा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बार बार की कॉल भी, बहुत ज़्यादा कॉल भी कर रहे हैं, और वो इसकी जानकारी लेना भी चाहते हैं कि जी पेपर सर पहले होगा कि बाद में होगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को देने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपके मन में पूरी झील होनी चाहिए कि मुझे आर्मी में जाना है, और अगर मुझे देश के लिए जो सबसे बड़ी सेवा होती है और मुझे उसका हिस्सा बनना है, तो आपको पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य को करते जाना है। मैं मनोज अग्निहोत्री, और मैं आपको बता दूं कि आप लगातार जो है वो आपके वीडियोस जो हैं वहाँ पे बन रहे हैं कि जी आने वाले नेक्स्ट सेशन में पहले रिटर्न होगा कि दौड़ होगी। तो दोस्तों, अब देखो रिटर्न और ग्राउंड दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो तो बराबर हैं। आपने देखा हाल ही में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें आपने देखा कि ये जो भर्तियाँ हैं इनमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया जी, सॉरी, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें ग्राउंड और रिटर्न दोनों की महत्व जो था वो बराबर था। इवन कि जिनके ग्राउंड में ज़्यादा मार्क्स थे, 12 नंबर का जिनका गैप था, उनको थोड़ी सी आसानी हो गई थी वहाँ पे, और उससे भी ज़्यादा। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ज़्यादा लोग जो भर्ती हुए और वो मतलब उसमें कम वैकेंसी दूसरी आई? तो एक छोटी सी गुणा जो मैं आपको बताता हूँ, आप भी इस जानकारी को आप अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ। और ये जानकारी इस प्रकार है कि आपको लगता है कि बहुत कम लोग उठाए गए, लेकिन हमारा मानना है कि पहले भी वैकेंसी ऐसे आती थी और ऐसे ही लोगों को उठाया जाता था। थोड़ा सा फर्क ये था कि पहले इतने ज़्यादा संख्या में लोगों को, इतने ज़्यादा छात्रों को, इतने ज़्यादा युवाओं को पहले नहीं उठाया जाता था। दूसरा बड़ा कारण उसमें क्या था कि आपको लगा कि आपकी GD भर्ती में बहुत कम लोगों को लिया गया। दूसरा बड़ा कारण ये था कि आपने देखा कि मैक्सिमम ARO की जो एवरेज जो वो ली गया, जो संख्या ली गई, वो 160 के करीब करीब लिया गया। और उसके बाद तीसरा जो कारण आपको लगा कि फिर भी आपकी वैकेंसी जो वहाँ पे कम आई, तो बताओ दोस्तों, आपको मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा इस बार भर्ती में अगर किसी ने प्रभावित किया तो NCC के सी सर्टिफिकेट ने, जिन लोगों के पास NCC के सी सर्टिफिकेट थे उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस भर्ती को प्रभावित किया। आपको लगा होगा कि लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो भर्ती हुए और बहुत ज़्यादा लोग इसमें रह गए। तो आप देखें ऑल ओवर इंडिया में जितने भी AROs हैं वहाँ पे जो भर्ती का प्रोसेस हुआ, और जो वहाँ पे जो भर्ती हुई उसमें NCC कैडेट के जितने भी लोग थे, और इसका कारण क्या था कि पिछले 3 वर्षों से 2019 के बाद जो भर्ती वो लगातार नहीं आ रही थी, और 2019 के बाद जितने भी लोगों का NCC सर्टिफिकेट जो वो उनको मिल गया था, उनका सबने क्या करना था, खाली दौड़ी निकालनी थी, क्योंकि उनका रिटर्न नहीं होता है, उनको रिटर्न से वहाँ पे फुल मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। तो जितने भी NCC सर्टिफिकेट वाले थे, अब उसमें क्या रहता है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सी सर्टिफिकेट में भी वो वहाँ पे महत्व नहीं रखता, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन GD वाले में, क्योंकि GD में पेपर नहीं होता है, अगर क्लर्क होता तो वहाँ पे उनको 15 मार्क्स मिलने थे, 15 नंबर मिलने थे, और ट्रेडमैन होता तो वहाँ भी उनको डायरेक्ट एंट्री थी। तो बहुत ज़्यादा ARO ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या जो थी NCC की भी थी, और वहाँ से कुछ NCC लोग रहे भी, लेकिन वहाँ पे कारण, मुख्य कारण ये रहा कि वहाँ की वैकेंसी जो थी वो NCC वालों ने ही वहाँ पे फिलअप कर दी। अगर मान लो वहाँ पे वो नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि उनके ग्राउंड में 60 नंबर है या उनके ग्राउंड में 70 है, उनका रिटर्न नहीं हुआ, उनको वहाँ पे 100 नंबर रिटर्न का मिल गया। लेकिन अगर मान लो कोई लड़का है जिसके 100 नंबर ग्राउंड में है और रिटर्न में भी वो 100 नंबर ले रहा है, तो वो वहाँ पे 100 ले रहा है या 80 ले रहा है, उनकी नंबर जो है वो अगर ज्यादा बन रहे हैं तो उनकी सिलेक्शन पहले होगी और NCC वाले की सिलेक्शन नंबर 2 पे होगी, क्योंकि वहां पे महत्व देखा जाएगा आपके फिजिकल का। तो NCC वाले भी ये ध्यान दें कि आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं वो ग्राउंड में अच्छा और बेहतर करें, जिससे उनको वैकेंसी में प्रॉब्लम आए। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत टाइम के बाद ये भर्ती आई थी, इसलिए जो था सी सर्टिफिकेट वाले जो लोग थे उनको लगा कि हम लोग, वो उन लोगों ने वैकेंसी पे ज्यादा अधिकार जमाया और उससे जो था इम्बैलेंस हुआ लोगों के, मतलब लड़कों के मन में एक कहीं ना कहीं जो निराशा आ गया। और वहीं अगर बात करें अग्निवीर के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे अग्निवीर के बारे में, क्योंकि ये जो योजना है ये समय के गर्त में है और ये समय के पेट में है। जब तक ये 4 साल पूरे नहीं होंगे उसके बाद उनका कैसे वो सिलेक्शन होगा, क्या सरकार अग्निवीरों के सिलेक्शन को बढ़ाएगी, क्या इनकी जो परसेंटेज है 25 से 50 कर दी जाए या 60% कर दी जाए, क्योंकि जहां तक
ये सुनने में आ रहा है कि सरकार शायद ही इसको बंद करे, क्योंकि कोई जो पॉलिसी पर बन जाती है तो उसको क्लोज इट नहीं करते हैं तब तक जब इसके परिणाम अच्छे या बुरे हाथ में ना आए, तो हो सकता है कि इसका परसेंटेज बढ़े। और वहीं अगर बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे रिटर्न का, तो आने वाले टाइम में जो आपका रिटर्न है ये होगा कि नहीं होगा, ये सारी गलत जानकारी आपको मिल रही है। सबसे बड़ी जानकारी जो है वेबसाइट पे इसकी रिलेटेड जो है कोई जानकारी नहीं है। जहां तक बड़े अधिकारियों की बात है आर्मी में, जिनसे हमारी बात होती रहती है, तो वो तो ये जानकारी देते हैं कि ये जब तक आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ऐसी बातों को आप सिरे से निकाल दीजिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आर्मी ने इसका तैयारी कर लिया है कि आर्मी भी अब जो एयरफोर्स और नेवी के जैसे उनका ट्रेंड चलता है कि पहले रिटर्न होता है, उसके बाद ग्राउंड होता है, फिर मेडिकल होता है, इससे क्या होता है कि लोगों में उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उनको आसानी हो जाती है। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट सेल होता है उसको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहने वाली है। तो आपको बता दें कि आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि आपको कई तरह की जानकारी जो यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन जो